टेबल देख राइट साइड Hello, hi. How are you? A very good evening to all of you. Good evening. So good to see all of you like a family. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किसके लिए आए थे आज यहाँ पर, मतलब विच डिजाइनर? मैं राजेश प्रताप जी का बड़ा फैन हूँ, उनके कपड़े मुझे बड़े पसंद आते हैं, तो वाकई उनका शो अभी हमने देखा, बहुत ही अच्छा था। How was your experience with you being over here? Very nice. It was my first, like this is the first time I'm attending a fashion show. Mine as well, so it was quite interesting. आमिर, आपने इनको भी फैशन क्वींस बना दिया। मैं क्या बनाऊंगा, ये ऑलरेडी फैशन क्वींस हैं। सच है। ये मुझे सिखाता है कि मुझे क्या पहनना चाहिए। सच है। पर आपके इनका सेंस जो है वो मेरे से बेटर है, फैशन सेंस। तो ये आज जो आपने पहना है, मतलब इन्हीं का मार्गदर्शन है दोनों का? हाँ, जो मैं पहनता हूँ यही डिसाइड करता है। फाइनल कॉल हमारा है, वीडियो कॉल। क्या हम आने वाले समय में आपको रैंप पे देखेंगे? काफी समय हो चुका है रैंप पे। मैं तो एक ही दफा चला हूँ सलमान साहब के लिए, बीइंग ह्यूमन का जो उनका चैरिटी शो था उसके लिए मैं चला हूँ। आमतौर पे मुझे बड़ा, मैं बड़ा शाय हो जाता हूँ, रैंप पे चलता हूँ सब लोग मुझे देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं छुप जाऊँ कहीं। मैं बड़ा शाय टाइप का आदमी हूँ। I don't mind. I would want it. I mean, are you scared of fashion police in that sense? फैशन पुलिस क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। व्हाट इफ दे हिट आउट एट यू व्हाट यू आर वेयरिंग एंड व्हाट? हां, नहीं नहीं, वो तो मैं वैसे ही बुरे कपड़े पहनता हूं और उसकी मुझे आदत है, और लोग मेरे फैशन को इतना कुछ खास समझते नहीं है तो उसका मुझे डर नहीं है। फातिमा एंड सानिया, आप इंटर्नशिप भी कर रहे हैं आमिर के साथ, जी। तब तक का अनुभव कैसा रहा आपका? मतलब बहुत अच्छा, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बीइंग अंडर हिम इट्स
अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ अस. सिर्फ मूवी में एक्टिंग ही नहीं कि मूवी बनती कैसे है और उसका पूरा प्रोसेस कैसे जाता है, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, सब कुछ हमने काफ़ी कुछ सीखा है. एक्चुअली सिर्फ फिल्म मेकिंग ही नहीं, ये बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है. जैसे पानी फाउंडेशन, तो हमें मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग में हमें अटेंड करना मिलती है. हाउ ही गिव इंटरव्यूज एंड इंटरव्यूज, इंटरेक्शन विद मिनिस्टर्स एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द सोसाइटी, मतलब हम बहुत तारीफ कर रहे हैं. आपके सामने तारीफ कर रहे हैं, बाद में मुझे गाली देते हैं. नहीं नहीं, ऐसा कुछ रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं. मैं एक फैशन क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद एक और क्वेश्चन. जी क्यू और पैन सिंह के साथ आपका कुछ अनुभव? जी क्यू के साथ तो मेरा काफ़ी मेरा रिश्ता रहा है. हम लोग, मैंने कई शूट्स किए हैं जी क्यू के लिए, उनके इवेंट्स में भी गया हूँ मैं. तो बहुत ही अच्छा मैगजीन है और फैशन की दुनिया में तो जाना माना मैगजीन है. जी आमिर, दिस इज वेरी वंडरफुल आइडिया फ्रॉम योर साइड कि लाइक आपके अंडर में इंटर्नशिप करें लोग. हाँ, ये कहाँ से और कितना सफल लग रहा है? ये कुछ साल पहले मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मतलब जो कुछ मैंने सीखा है, जो अनुभव मुझे मिला है इतने सालों में, मैं चाह रहा था कि मैं वो किसी के साथ शेयर करूँ. और फिर हर आदमी का अपना नज़रिया होता है, जो आपके साथ इंटर्न कर रहा है वो कुछ चीज़ें आपसे सीखता है, कुछ चीज़ें उसको लगता है कि आप गलत कर रहे हो. लेकिन ये एक सीखने का मौका मिलता है हर इंसान के लिए. तो जो मेरे पहले इंटर्न रहे हैं वो एक्चुअली ये इंटर्न मैंने नहीं, ये फर्स्ट इंटर्न्स नहीं है ये. मेरे पहले इंटर्न रहे अद्वैत, जो मेरे पहले जो मैनेजर थे, जो अब मेरे लिए फिल्म बना रहे हैं, वो मेरे पहले इंटर्न हैं. तो फिल्म मेकिंग उन्होंने मेरे अंडर सीखी, जो अभी जो फिल्म बना रहे हैं. उनका शो भी चालू होना है. अच्छा हाँ हाँ, अच्छा आमिर ये चीज़, आप यहाँ तो आए हैं आज, करण के शो पे भी जाएंगे? कॉफ़ी विद करण पे हाँ मैं ज़रूर जाना चाहूँगा यार. आप उनको बोलिए कि मुझे बुलाएं, वो मुझे बुला ही नहीं रहे. और हमें भी. हाँ सर, कौन सा अवार्ड कहाँ, स्क्रीन अवार्ड कब है? MMRT आज? हाँ मुझे नहीं पता, मैं देखता नहीं अवार्ड नाइट्स और मैं जाता भी नहीं हूँ. व्हाट डू आई थिंक, मैं तो थिंक ही नहीं करता उसके बारे में. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. लगातार दंगल आ रही है जल्दी जल्दी. हाँ जरूर जरूर, आते रहें और मिलते रहें हम लोगों से. जरूर जरूर, आप लोग देखिए इन लोगों का काम फिल्म में. जी जरूर, प्लीज देखिए, कमाल का काम किया. मुझसे 10 कदम आगे आप फिल्म देखेंगे मुझे भूल जाएंगे इनको याद. सबसे ज्यादा सर आपने वो बॉडी ग्लो है. हाँ वो तो किया मैंने. थैंक यू सो मच. Hi. Good evening to both of you. Good evening to you too. Congratulations for the show. Thank you. बहुत ही मैजेस्टिक लगा हमें तो शो, बहुत ही सबको पसंद आया. हमारे छायाकार कैमरा में इसको भी बहुत पसंद आया. आपको कैसा अनुभव रहा सर रैंप पे? हाउ इज द एक्सपीरियंस बीइंग ओवर? यार जब इतने अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं तो अच्छा ही लगेगा. तो आई एम रियली हैप्पी दैट आई कुड बी हियर. आई मीन आई हैव बीन अ ह्यूज एडमायरर ऑफ राजेश's वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो जस्ट टू बी हियर एंड टू बी ड्रेस्ड बाय हिम एंड टू हैव दिस वंडरफुल वेन्यू दैट वी आर वॉकिंग इन, इट्स फीलिंग ग्रेट. You know, in all honesty, I think, I mean, really, the idea is conveyed through his vision of what it is that he's creating. I mean, I really do. I mean, I just feel really like happy to be here, you know, and to be able to just have him dress me. And I mean, when you, in anything that we do, whether it's music, we like to listen to music made or composed by people who know about music. When you watch a film, you like watching films of masters of cinema. Similarly, when you're either watching fashion or when you get to experience wearing certain fashion, you want to be, you feel very fortunate when you can have someone who is really considered an amazing designer, you know, internationally, the world over. Just to be a part of his vision, and that's really what I'm here for. And if in any way his idea translates through me,
Why? How? What a wonderful feeling. Farhan, if you could only wear two things for the rest of your life, what would it be? If I could only wear two things? Two things. Exclude Anand. You could only wear two things. Well, then I guess my shades. Would be one, and exclude undergarments. That you'll get. Interesting thing. Well, I guess shoes and shades is what I'd wear. It's yeah. A new trend, almost. Well, I guess. But you said I'll get my undergarments. What fashion? Sorry. No. So, what is the one style statement that you think will be worn by everybody in the future? Yeah, you know, you're asking completely the wrong person. Standing, there is somebody standing right next to me who should be asked this question. Who has an ocean of knowledge comparatively. Well, he's got his very cool style and he carries off anything well, so he's okay. Just leave him alone, he's fine. Thank you. So, and you know, it's intelligence which really matters end of the day, and clothes are all about comfort and what you are happy with. So yeah, he's fine. आपने बता दिया है ब्यूटीफुल था. थैंक यू सो मच फॉर दैट. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और जो मैं आज अभी मैं जैसा फील कर रहा हूँ इसे पहन के बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. एंड द वे परवाज वाज प्लेइंग आपने सुना होगा काफ़ी अच्छा वो प्ले कर रहे थे. एंड एट द सेम टाइम जो थॉट था ये पूरे के भी पहले पीछे दैट वाज अमेजिंग बिकॉज वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट वाज इंस्पायर्ड बाय कश्मीर और वो इस माहौल में जिसमें हम गुजर रहे हैं उसके अंदर एक होप देखी हमने. एंड वी फेल्ट दैट द वॉइस ऑफ कश्मीर इज़ बीइंग टोल्ड थ्रू म्यूजिक एंड पीस इज़ कमिंग बैक एंड दैट्स बिकॉज ऑफ पीपल लाइक परवाज हु स्पेंड देयर लाइफ प्लेइंग म्यूजिक एंड गेटिंग पीपल टुगेदर. सो इट रियली वाजंट अबाउट द कलेक्शन, इट वाज मोर अबाउट द म्यूजिक. सुशांत जितने स्पेशल है इनके लिए खैर कुछ भी चीज़ सूट करता है. पर हमने हर वक्त एक नॉस्टैल्जिया को पकड़ा है, एक नेहरूवियन एरा को लेते हैं और उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करते हैं, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंट बनाते हैं. तो होप और बिलीफ से हमें लगता है कि वो आज का रेलेवेंस है इस देश में. और इंडिया से इंस्पायर्ड कुछ मोमेंट्स होते हैं जिसको हमें हम भावुक होते हैं. आई थिंक जो आज सुशांत ने भी पहना है इट्स अ फिरेन जो कश्मीर में होता है उसी का एक कॉलर का पैटर्न है बट बंद गला का उसको हम लोगों ने एक फॉर्म दिया है. एंड ही इज़ वेयरिंग अ एसिमेट्रिकल ड्रेप कुर्ता एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स इट कंटेम्प्रेरी. आपने धोनी देखी? पहले उसके बारे में बताइए कैसी लगी. थैंक यू. बस वही अच्छा था. क्या बोल रहे हो यार, दिल तोड़ रहे हो. कमाल की पिक्चर थी यार. राब्ता अगले साल रिलीज़ होगी, काम चल रहा है अभी तक. एंड आई होप कि जिस तरीके से पिछली फिल्म अप्रिशिएट हुई है उसी तरीके से ये वाली भी फिल्म अच्छी लगे आपको. नहीं, आज से 10-15 साल बाद मैं खुद के बायोपिक में काम करूँगा. जी हाँ, मैंने अपना पहला जो स्टेज परफॉर्मेंस था डांस में वो इनके गाने पे किया था, कहो ना प्यार है. हाँ, तो बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे मिलकर. थैंक यू गाइस. थैंक यू गाइस.
Light. Hi. Good evening. Good evening. Congratulations for the show. Thank you. Can you just decode the what energy we are and about the show tonight? Sure. See, the collection is called Grey Method. And what AK is wearing right now is a tone-on-tone French knot embroidered. It's a packaging motif. It's a new motif I've launched today. So it's the same motif he had on the Sherwani and the waistcoat. It's actually, this is my crumpled print. It's my show version of a three-piece. So, a black and white formal three-piece dance. Shahid ke saath dekha humne, Arjun wagera ke saath bhi. Unhi, competition hai un logon ko mein galat. कंपटीशन तो तगड़ा है क्योंकि ओजी गैंगस्टर ओजी तो एके है एके दिस इज द सेकंड थर्ड टाइम एके इज वॉकिंग फॉर मी इट वाज सम टाइम बैक बिकॉज आई एम लिटिल बिट ओल्ड नाउ बट देखा आपने क्या तगड़ा कंपटीशन दिया है सबको धाराशाही कर दिया करेक्ट अनिल जी थोड़ा हमें लग रहा था काफी इंटेंस रहेंगे लेकिन फिर यू यूज्ड आउट लाइक No, it was obviously it's a you know I'm not in front of the camera. See, when you walk on the ramp, obviously there is a certain decorum you have to do. There is because you're basically not trying to sell yourself more than anything else. You're trying to it's the clothes are the most important thing. What I'm wearing for Kunal, so that's what is important. So initially it was basically when we walk on the ramp, obviously people should focus on not the person but on the clothes. That's what it is, and once it is done, then a little bit of fun. So that's what I did. Yeah. Sherwani jacket. Yeah, because I just felt because I like this kurta and I like this jacket and these and the material and the trousers and all. So मुझे लगा कि थोड़ा सा वो निकालने से थोड़ा सा जो अंदर की जो outfit है, which is also very very special. So as the people should get an opportunity, all the people who are here and the audience who are here and who know a lot about fashion should have a look. And see what a great job Kunal has done with the clothes. Yeah. पूरी फैमिली आपके फैशन आइकन बन रही है. सोनम हैं, आप हैं, हर्ष वर्धन भी लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं. पूरी फैमिली इस फैशन. You see, I feel fashion is an art, and what I feel जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हिंदुस्तान में कि कहीं ना कहीं फैशन की और जो जो डिज़ाइनर्स हिंदुस्तानी डिज़ाइनर उनकी इज्जत बढ़ रही है और लोग फैशन को और इस आर्ट को सीरियसली ले रहे हैं कभी कभी क्या होता था कि लोग आप जो कविताएं लिखते हैं और पोइट्री करते हैं हम एक्टिंग करते हैं और इतनी सारी चीज़ें जो आर्ट होती है मगर फैशन को कहीं ना कहीं लोग समझते हैं कि वो आर्ट नहीं है बट फैशन इज़ ऑल्सो एन आर्ट एंड यू नो एंड इट्स लाइक एनी अदर आर्ट सो एंड आई कैन सी द काइंड ऑफ डिटेलिंग व्हिच इज़ डन इन यू नो बाय द इंडियन डिज़ाइनर्स And I'm really really proud of all of them, and especially Kunal. Yeah, especially Kunal. Sorry, yeah. If I could add something to that. Sonam has been my first friend, so we know each other for really long. So we've grown up watching AK, and AK has been the fashion icon for all of us from the beginning. And the beauty about AK is he carries off that macho grunge as well as he carries off clean chic. So. I mean that's the reason why he works so perfectly for my clothes and I'm sure other people too. Kabhi label launch karenge AK label? Haan ji. Label ka label. Uske layak to nahi hu abhi tak main. Aap pure nikal to koi kami nahi hai. Bilkul bhi. Abhi ab waqt hai uske liye. Agle janam mein. Anil ji ek cheez aur aapka janmdin aa raha hai. Any expectations जन्मदिन क्या मतलब मेरे ख्याल से हर दिन मेरे लिए एक जन्मदिन है और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जितनी भी सांसें भगवान ने दी हैं खुदा ने दी हैं और दी हैं उसको हमें यू नो एंजॉय करना चाहिए और जन्मदिन तो एक एक यू नो एक चोचला है जो यू नो एक मौका है एक दिन है ऐसा कि सब मिलजुल कर यू नो परिवार मिलता है और खुशियाँ मनाते हैं बाकी मुझे लगता है कि हर दिन एक जन्मदिन है
अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, मगर अभी कोई डिसाइड नहीं है। Another Hollywood project for you, Book of Strange New Things. How excited are you for that? Well, I am. Hey, light, please. भैया पैसे it's a show which I'm doing, which is based on the book Strange New Things, and so I've just done the pilot now. It's too early to talk about it, but I'm very excited, very very proud and very happy that I got this opportunity to work with the best director, best writer, best producer. They all are Oscar winners, so you know, so much to learn from them. So we have to see what happens when you first shoot a pilot and then it's green lit, and once it's green lit then we go and shoot the entire season. So I've just done the pilot now, and we'll wait for the results to come, and once it's except you know, when Amazon says okay cool, then we'll talk about it. I can talk more on in detail about this show, but I'm very very excited about it. Yeah, Sonam jo hai is baar favorite hai award jeetne ke liye sabhi jagah. देखो आवाज को मैं मुझे लगता है कि मिले तो ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, नहीं मिले तो ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए. यू नो, यू जस्ट आई फील इट्स द वर्क विच मैटर्स. यू नो, यू जस्ट हैव टू कीप ऑन वर्किंग एंड लीव इट टू यू नो सक्सेस एंड फेलियर ऑफ फिल्म्स अवार्ड्स. इट हैपन्स बट यू व्हाट नोबडी कैन रियली स्टॉप यू फ्रॉम वर्किंग विद इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी एंड यू नो विद ऑल द डेडिकेशन. That nobody can take away from you, and that's if you do all your life, I think you'll be rewarded and rewarded every day. Anil, तेरी तो दे ना, आपके दो दोस्त हैं, इन अवार्ड में होस्ट कर रहे हैं, शाहरुख और सलमान, तो आपको क्या लगता है किस तरह का माहौल और किस तरह का मजा आने वाला है? पता नहीं, मैं तो यहाँ आ गया, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुणाल साहब को मैंने कमिटमेंट दी थी, तो काश मैं वहाँ होता तो मैं आपको बता देता कि कैसा लगा मुझे. भेज रहे हो? नहीं पूछो पूछो. ये था कि लाइक कौन सी दो चीजें जिनमें आप अपना जीवन व्यतीत करना चाहेंगे, कपड़े अपार्ट फ्रॉम योर इन ऑफ योर लाइक ऐसे. इफ यू कुड ओनली वेयर टू थिंग्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट वुड इट बी? आई थिंक आई जस्ट पेयर ऑफ आई जस्ट नीड अ गुड पेयर ऑफ जींस एंड अ नाइस गुड कंफर्टेबल टी-शर्ट. आई थिंक दैट वुड बी फाइन फॉर मी टू लिव ऑल माय लाइफ. आई एम नॉट वेरी फसी अबाउट यू नो थिंग्स. You know, I just have to feel good about myself, whatever I wear. Ranveer Singh बहुत याद कर रहे थे आपको, बेफिक्र फिल्म रिलीज हो रही है, हम कल ही उनसे मिले थे, इंटरव्यू कर रहे थे. 9 तारीख को रिलीज हो रही, कुछ उनके लिए कहना चाहेंगे रणवीर के लिए? रणवीर के लिए मैं यही कहूँगा कि मेरी यू नो माय गुड विशेज आर ऑलवेज विद हिम एंड मे दिस फिल्म बिकम हिज बिगेस्ट सक्सेस. बेफिक्र, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म. आई एम वंस आई सी द फिल्म आई टेल यू, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड फिल्म. आप जा रहे हैं? अरे अरे, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद. मुबारक, अगर उसके लिए कोई शब्द कह के जाना चाहते हैं? बस यही, अभी शूटिंग मुबारक की चल रही है चंडीगढ़ में, और मैं जनवरी से उसकी शूटिंग शुरू करने वाला हूँ, और फिर बाद में हम लंदन में शूटिंग करेंगे, और मार्च तक फिल्म ख़त्म हो जाएगी, और जुलाई 28 को हम ये फिल्म को रिलीज़ करेंगे. मुबारक, आप सबको मुबारक हो, आप लोग ये शो पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू थैंक्स. Thank you. Thanks. How are you, man? Thank you so much. Many congratulations. Thanks. For the show. Right. Kunal, आपको पता है आमिर भी आपकी तरफ बहुत मतलब आके गड़ा के देख रहे थे. हाँ जी, बिल्कुल. आप देखा उनकी? हाँ, मैंने देखा उनकी तरफ. हाँ जी, बिल्कुल. Well, it was amazing. I think it was a great show. He's done a great job with the clothes.
And but it's always fun being on the ramp. And what I particularly enjoy about this platform is that it's by GQ. And I think GQ is the one-stop shop when it comes to coolness and style. And to be walking the ramp for him and for GQ is always special. See, today's collection was inspired from a lot of, it was basically inspired from optical art of 19th, 20th century. So, and a fashion for young professionals basically. We want, you know, I mean, people from, you know, the young professionals of India to be dressed up really fashionably. Not just, you know, I mean, if you're walking on the ramp, also when you're working in the office, you know, your workplaces, you should be really fashionably dressed. So that was the idea for the show. One of our senior, Kali was asking, like, if you can wear two things apart from, like, excluding your inner wear, throughout your life, what would you? Wow, jeans and a t-shirt. I think that would be the, if I had to choose two things, yeah. Jeans and a t-shirt. Okay, I want to know that, who is the GQ guy, either GQ guy for you? Like who's like the coolest guy, like that? GQ, the parameter wise. Well, I think for me, you know, the man that sort of epitomizes style in this country is Sanjay Dutt. For me, he's the true blue rock star. And he's somebody that can wear a pair of jeans and a t-shirt and walk into a room and everyone's going to be looking at him. So for me, yeah, he's the ultimate sort of style icon. And who would be the ultimate band singer? Sorry. I would think of Alfred Shaw, yes. I can't name him. But otherwise, I think I really admire Mr. Bachchan. You know, the way he carries himself. Yeah, he does. A different persona, basically. We are still under the aura of Dear Zindagi. Right. So, how it has been after like 50 crore ho chuke hain, like after. Haan ji. What's your ab kaisa response aa raha hai? Ji, bahut hi zyada acha response hai. Sabke kaam ke liye, picture ke liye. और मुझे लगता है कि हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि इस तरह की पिक्चरें जो एक बहुत ही पर्सनल इंटीमेट पिक्चर है जो एक बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट के साथ डील कर रही है उसको इस तरह का सक्सेस मिलना मुझे लगता है सारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है. इसका मतलब है कि जो ऑडियंस है वो अलग अलग पिक्चरों के लिए तैयार है, अलग कॉन्टेंट के लिए तैयार है और उसी तरह की पिक्चरें मुझे लगता है आगे चल के चलेंगी. ऊपर नीचे हुआ था अभी थोड़ा, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ लगता है ना? नहीं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी इफेक्ट हुआ उससे. Kunal, new look for Raag Desh? For Raag Desh, yeah. How's it going? Like, is it really tough to do a period? Well, it's, I was saying, I've been time traveling this year. Yeah. I started off as a 16th century warrior. Yeah. Then I was a 40s soldier in Raag Desh and now millennial man in Dear Zindagi. So, yeah, it's been quite a travel. But it's amazing because Tigmanshu is an amazing director. And also, you know, it's, I think, one of the most powerful scripts I've read after Rang De Basanti. It's the fastest I've said yes to a film. I read the script and I called him in 5 seconds because I was like, I hope he doesn't change his mind. And I was like, I'm doing this film. Thank you so much. About the collection, Van Heusen specifically. Well, I think it's, Van Heusen is amazing. The things that I think about when I think about Van Heusen is, I think about trend setting. I think about stylish. And I think about the word sharp. Those are the three words that come to my head. Thank you. Thanks so much. Thanks guys. Thank you. Thanks, guys. Keep meeting us. Yes, sir. Lovely.